राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने ये थालपूस बनाया है। इसको आप थालपूस भी बोल सकते हैं, थाल कवर भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा बनकर आया है ये हमने 3 कलरों से बनाया है। आप चाहें तो इसको 1 कलर से भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो 2 कलरों से भी बना सकते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने कलरों से बनाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 3 कलरों से बनाया है। तो इसमें टोटल राउंड हमारे 20 हैं। ये देखिए, ये हमने 10 राउंड यहाँ पर लिए हैं, और ये 4 राउंड लिए हैं, फिर 1 राउंड लिया है, और फिर ये 1 राउंड है। तो ये हमारे कितने हो गए, 10 और 4 14 15 16 16 राउंड ये हैं हमारे, और 4 राउंड ये हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर 20 राउंड बनकर आए हैं। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप स्किप करके वीडियो को नहीं देखें, आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको किस तरह से बनाना है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप 2 कलरों से बनाना चाहते हैं तो देखिए, आप यहाँ पर ये बना लीजिए 10 राउंड, फिर उसके बाद में ये आप 1 2 3 4 5 6 6 राउंड आप 1 कलर से बना लीजिए, फिर आप यही इस कलर से बना लीजिए। जिस कलर का आपने ये बनाया है, इसी कलर से आप ये बना लीजिए। तो आपका ये 2 कलरों में भी बन जाएगा। आपको 1 कलर में बनाना है आपको ये, तो आप 1 कलर से भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा बनकर आया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, धागा लिया। इस तरह से हम सबसे पहले मैजिकल सर्कल बनाएंगे। तो किस तरह से बनाते हैं, देखिए, मैजिकल सर्कल इस तरह से लेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे। तो ये हमारा मैजिकल सर्कल हो गया है। क्रोशिया हुक डालेंगे, 1 2 3 तीन चेन लेंगे डबल क्रोशिया के हाइट की, 1 चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए, सर्कल है ये हमारा, सर्कल में अपना वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, और 1 चेन लेंगे। देखिए, डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं। क्रोशिया में एक फंदा है हमारा, इस तरह से दूसरा फंदा ले लिया हमने, ये हमारे 2 फंदे हो गए। इस तरह से डालेंगे सर्कल के अंदर, धागा निकालेंगे, ये 3 हो गए। 3 से हम 2 कर देंगे, और 2 से 1 कर दिया। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया, और 1 चेन लेंगे हम यहाँ पर हम। तो ये देखिए, 1 2 3 ये 3 हो गए। फिर से धागा लेंगे, क्रोशिया के अंदर डालेंगे, सॉरी लूप के अंदर डालेंगे क्रोशिया को, निकालेंगे, 3 से 2 करेंगे, और 2 से 1 कर देंगे। तो ये डबल क्रोशिया हो गया हमारा, 1 चेन लेंगे। तो इस तरह से हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 चेन लेकर। ये देखिए, यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो धागा है हमारा, इसको इस तरह से हम टाइट कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर 3rd चेन में हम कि 1 2 3 3rd चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी हमने 1 चेन ली थी, अब ये लूप बन गए हैं ये देखिए हमारे। अब लूप के अंदर यहाँ पर हम एक बार और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम लूप के अंदर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 चेन लेंगे। अब ये 2nd लूप है ये हमारा, यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, एक बार और बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लूप में बनाएंगे हम इस तरह से डबल क्रोशिया, 1 चेन। तो इस तरह से ही हम अपना राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा, 1 2 3 3rd चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो फ्रंट पोस्ट हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हमने जॉइन किया,
अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से उठाएंगे क्रोशिए को, ये देखिए ये हमने जो तीन की चेन थी इस तरह से उठाई और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया, वन टू, टू चेन ले ली। तो ये हमारा एक फ्रंट पोस्ट हो गया। अब देखिए ये दो जो हमारे डबल क्रोशिए हैं, ये देखिए ये तो दो डबल क्रोशिए हैं। अब यहाँ पर हम इधर भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और इधर भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। सेंटर में यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंपल। तो ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट बन गया हमारा। अब यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर ये यहाँ पर हम इस तरह से उठाकर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। एक चेन लेंगे, ये देखिए इस तरह से उठाएंगे, किसी चेन में वर्क नहीं करना है हमें, ये अपना पूरा डबल क्रोशिया उठाएंगे हम और यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर सेंटर में, ये यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे, ये देखिए इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर दो थे, यहाँ पर हमारे तीन हो गए। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम, यहाँ पर हम एक चेन लेंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद हमने ये चेन ली है, अब यहाँ वन टू थ्री, ये देखिए वन और टू, सेकंड चेन में हम इस तरह से जॉइन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे क्योंकि हमारा फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया और बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमारे ये दो थे, ये तीन हो गए, अब ये चार हो जाएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे हम फ्रंट पोस्ट, इस तरह से उठाएंगे हम, वन टू, इस तरह से हमने फ्रंट पोस्ट बना दिया। अब ये हमारा डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर हम बनाएंगे वन, इस तरह से एक बार और बनाएंगे यहाँ पर ही हम इस तरह से। तो ये हमारे दो डबल क्रोशिए हो गए। अभी फ्रंट पोस्ट है हमारा, इस तरह से फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, ये देखिए ये हमारे चार हो गए। चेन लेंगे, ये पूरा फ्रंट पोस्ट उठाएंगे हम इस तरह से, ये डबल क्रोशिया है हमारा। तो यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे वन टू, फिर से हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया। फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, एक चेन लेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया, इसको उठा लेंगे, एक चेन लेंगे। तो इस तरह से हमने राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम, यहाँ पर हमने एक चेन ली, ये देखिए वन और टू, सेकंड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इंक्रीज़ करने हैं। तो देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे, दो चेन लेंगे। अब देखिए डबल क्रोशिए हैं हमारे, ये दो डबल क्रोशिए हैं तो यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिए बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे, इस तरह से, अब यहाँ पर बनाएंगे हम सेकंड डबल क्रोशिए के ऊपर दो बार। तो अब हमें इंक्रीज़ यहाँ पर करना है। ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट हैं ये हमारे ऐसे ही रहेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाते जाएंगे और ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए यहाँ पर एक था, यहाँ पर दो हो गए, यहाँ पर तीन हो गए, नेक्स्ट में चार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में दो बार डबल क्रोशिया,
इस तरह से, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट, एक चेन, तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट होता है ना, तो देखिए फ्रंट पोस्ट हम किस तरह से बनाएंगे, ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसको इस तरह से उठाएंगे हम, इस तरह से हम छोटा नहीं बनाएंगे इसको, इस तरह से बनाएंगे हम फ्रंट पोस्ट को उठाकर। डबल क्रोशिया, और आप चाहें तो इधर इंक्रीज कर सकते हैं, इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं, मैंने इस तरफ इंक्रीज़ किया है, तो एक ही तरफ इंक्रीज़ करना आप, ये नहीं कि एक बार इधर करा एक बार इधर करा, एक ही तरफ, इस तरफ इंक्रीज़ करना है तो इस तरफ, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ पर भी इंक्रीज़ करना चाहें, इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रंट पोस्ट इस तरह से छोटा सा नहीं बनाना, इस तरह से खींच कर बनाएंगे। एक चेन लेंगे तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम, तो यहाँ पर हमने एक चेन ली है, ये देखिए 1 2 सेकंड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब देखिए फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लिया, 1 2 2 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया की चेन है ये हमारी, यहाँ पर डबल क्रोशिया 1, फिर से एक बार, अब यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे 1 2 इस तरह से। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, एक चेन लेंगे, ये देखिए ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई, ये देखिए ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई। ये फ्रंट पोस्ट होते हैं हमारे एक कली के, इधर साइड में भी फ्रंट पोस्ट होता है, इधर साइड में भी फ्रंट पोस्ट होता है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी 12 कलियाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 कलियाँ हमारी। अब जब हमारे फ्रंट पोस्ट बनते हैं तो बीच में हम यहाँ पर एक चेन ले लेते हैं, ये देखिए चेन है हमारी। अब ये फ्रंट पोस्ट लेंगे हम, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ये देखिए ये 3 डबल क्रोशिया है हमारे, तो ये 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बार बनाया, सेकंड के ऊपर भी एक बार बनाया, ये जो हमारा थर्ड है यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे इस तरीके से। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट लेंगे, एक चेन लेंगे, राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम, 1 2 इस तरह से सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर से हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इसी तरह से, 1 2 दो चेन लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 3 4 एक बार और बनाएंगे यहाँ पर हम, 5 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, चेन लेंगे, ये देखिए ये 1 थे, यहाँ पर 2 हो गए, 3 4 5 नेक्स्ट राउंड में 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे राउंड को, कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम, तो यहाँ पर टोटल हमने अपने 10 राउंड कंप्लीट करे हैं, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए 1 ये फर्स्ट राउंड है हमारा, ये सेकंड राउंड है, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 राउंड हमारे कंप्लीट हुए हैं। अब हम यहाँ पर कलर अपना चेंज करेंगे, देखिए कलर कैसे चेंज करेंगे हम अपना। एक चेन लेकर यहाँ पे अपने सेकंड चेन में स्लिप स्टिच कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम धागा लेंगे इस तरह से, और इसको हम धागे को टाइट कर लेंगे इस
फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम, इस तरह से उठाएंगे, वन टू चेन ले लेंगे, ये डबल क्रोशे की चेन है, यहाँ पर डबल क्रोशे बना लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, एक चेन लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पर हम, हमारा ये धागा है तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे इस तरीके से, इस धागे को हम कट कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने धागे को कट कर दिया है, फिर से हम इसी तरह बनाएंगे, देखिए फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन लेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर आकर इंक्रीज़ करेंगे हम, उसके बाद फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें राउंड कंप्लीट करने हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, ये देखिए ये 10 राउंड हमने ये बनाए थे, फिर ये 4 राउंड किए हमने और एक राउंड हमने लास्ट इस कलर का कर दिया। अब हम लास्ट फिर हम ये कलर लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए जॉइन कर लिया हमने, जॉइन करना धागा मैंने पहले आपको यहाँ पर बता दिया था। इसके बाद हमने 4 राउंड किए थे इसके, फिर अपने यही कलर पिंक कलर अपना स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पर हमने जॉइन कर लिया है, तो यहाँ पर हम इस तरह से टाइट कर लेंगे धागे को। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट नहीं बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वन टू थ्री तीन चेन लेंगे, क्योंकि हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब इस तरह से हम, ये देखिए इस तरह से हमें नहीं उठाना है, ये जो पीछे वाला लूप है हमारा इसको उठाएंगे हम इस तरह से, डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर नेक्स्ट इसको उठाएंगे हम। देखिए पीछे हमें साथ में ये भी उठाना होता है इस तरीके से, डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए हमें इस तरह से सिंगल नहीं उठाना होता है, सिंगल उठाएंगे तो इस तरह से खिंच जाएगा। इसको लेंगे साथ में और पीछे ये जो हमारी पीछे चेन होती है इसको लेंगे हम इस तरह से उठाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी में बना लेंगे डबल क्रोशिया एक एक, इस तरह से। इस तरह से देखिए ये हमारे 2 आ गए, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इंक्रीज हमें उसी तरह से करना है जिस तरह से हम करते हुए आए हैं। अब ये फ्रंट पोस्ट आ गया, फ्रंट पोस्ट की जगह पर भी हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए राउंड के लास्ट में हम ये हमने एक छोड़ दिया है, फिर से आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने ये दो बना लिए हैं, इंक्रीज़ कर लिया हमने। अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये चेन जो ली थी हमने, यहाँ पर भी बनाएंगे कि चेन है हमारी, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से उठाकर बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट आ गया, इसको भी हम इस तरह से बना लेंगे। फिर ये डबल क्रोशिया, इसको हम देखिए इस तरह से उठाते हैं। देखिए ये वाला लूप लेंगे हम और साथ में ये वाला लूप लेंगे, तो ये दो लूप उठाकर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया इस तरह से। सभी में बना लेंगे। अब देखिए ये हमारे दो डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पर भी हम दो बनाएंगे, एक और बनाएंगे यहाँ पर हम। अब देखिए फ्रंट पोस्ट आ गया, फ्रंट पोस्ट की चेन को उठाकर बनाएंगे। अब देखिए एक चेन आ गई है हमारी, इस चेन को भी उठाकर बना लेंगे हम इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने धागा कट कर दिया है, इसको हम फिनिशिंग में लेंगे अब दोनों धागे। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है हम, इसमें हमने तीन कलर यूज़ किए हैं, तो ये थर्ड कलर है हमारा। आप चाहें तो दो कलरों से भी बना सकते हैं। इस तरह से पहले एक नॉट बना ली, नॉट बनाने के बाद देखिए थर्ड चेन है हमारी, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन ली हमने, 6 चेन लेकर हम देखिए 1 2 3 स्किप करेंगे, यहाँ फोर्थ में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया फिफ्थ चेन में, अब यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये तीन डबल क्रोशिया बनाए हमने, धागा लेंगे, ये 1 स्किप करेंगे, ये देखिए ये चेन है, 1 स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे और ये थर्ड में हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। 1 2 3 तीन चेन लेंगे और ये जो लूप बन गया है, अब लूप के अंदर बनाएंगे हम तीन डबल क्रोशिया,
टू थ्री, धागा लेंगे वन टू स्किप करेंगे, थर्ड में इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से इनको खोल लेंगे। अब वन टू थ्री, तीन चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन बार, वन टू थ्री, तीन बार डबल क्रोशिया बनाए, धागा लेंगे वन टू स्किप करेंगे, थर्ड में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे, राउंड को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं, राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने। अब राउंड के लास्ट में हैं हम, तो क्या करना है हमें, इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमने तीन छः चेन ली थी, तीन चेन वर्क किया था हमने और तीन चेन हमारी ये थी, तो ये देखिए वन टू थ्री, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, इस तरह से। फिर से देखिए ये वन टू थ्री, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर इसके बाद हमने देखिए फिर तीन चेन ली थी, तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट चेन है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे, ये हमारी सेकंड चेन है, तो यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, और ये हमारी थर्ड चेन है, अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए थर्ड चेन में भी हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पर आ गए। अब देखिए क्या करना है, ये देखिए वन टू थ्री, थर्ड चेन में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया और स्लिप स्टिच करके हम टॉप पर आ गए। अब हम यहाँ पर फिर से वन टू थ्री इस तरह से यहाँ पर थंब लगा लेंगे हम अपना, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्क करना है अपना, वन टू थ्री, तीन चेन और ली हमने, तो ये हमारी फोर्थ चेन है। देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री और फोर, फोर्थ चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब फाइव में बनाएंगे, ये हमारा फिफ्थ है, यहाँ पर बना लेंगे डबल क्रोशिया। अब ये सिक्स है, तो यहाँ पर बना लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, धागा लेंगे और देखिए वन टू थ्री, यहाँ थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, वन टू थ्री। अब ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, वन टू थ्री इस तरह से, राउंड कंप्लीट करेंगे, धागा लेंगे और ये देखिए वन, ये देखिए वन टू थ्री, थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर तीन चेन लेनी है और फिर यहाँ पर हम इस तरह से वन टू थ्री, तो इसी तरह से हमें राउंड कंप्लीट करना है। और इनको इस तरह से हम खोल लेते हैं, ये देखिए इस तरह से पकड़ के खींचेंगे आप तो ये खुल जाएंगे। ये देखिए जैसे एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस तरह से हम खोल लेंगे इनको, ये देखिए इस तरह से। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने जॉइन करना आपको बता दिया था, राउंड के सेकंड राउंड कंप्लीट किया हमने, फिर ये थर्ड राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक राउंड और बनाएंगे हम, तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आ गए हम, अब हम यहाँ पर आकर देखिए यहाँ पर थर्ड चेन में जॉइन करेंगे। देखिए
यहाँ पर वन टू, देखिए वन टू थ्री, थर्ड चेन में हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा जॉइन हो गया। अब हमें क्या करना है, वन टू थ्री यहाँ पर आएंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे पहली चेन में, फिर हम सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और फिर थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर हम फिर से वन टू थ्री, तीन चेन ली, तीन चेन लेकर हम यहाँ पर थंब लगा लेंगे अपना इस तरह से, फिर हम वन टू थ्री तीन चेन लेंगे। अब हम ये जो हमने यहाँ पर थंब लगाया है यहाँ पर अपना वर्क करेंगे, तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। ये जो हमारी फर्स्ट चेन है यहाँ पर बना लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और ये जो हमारा ये वाला वर्क है तो इसमें देखेंगे वन टू थ्री, यहाँ थर्ड चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब ये डबल क्रोशिया बना है हमारा, अब हमें यहाँ पर वर्क करना है, तो किस तरह से करेंगे, वन टू थ्री, तीन चेन ली हमने, धागा लिया और इसके अंदर देखिए यहाँ पर वर्क करेंगे अपना इस तरह से, डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन बार इस तरह से। ये हमारी तीन की चेन थी, तीन डबल क्रोशिया कराए यहाँ पर हमने, फिर धागा लेंगे हम, देखिए वन टू थ्री, देखिए वन वन टू थ्री, थर्ड चेन में हम इस तरह से बना लेंगे वन टू थ्री, तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेकर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर तीन बार। तरह से धागा लेंगे वन टू थ्री, यहाँ पर डबल क्रोशिया जो हम बनाएंगे वो इस तरह से ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, इस तरह से ही बनाएंगे छोटा डबल क्रोशिया। धागा लेंगे वन टू थ्री इस तरह से बना लेंगे वन टू थ्री, तीन चेन लेकर डबल क्रोशिए पर बनाएंगे हम तीन डबल क्रोशिए, ये दो बन गए, ये थ्री इस तरह से। इस तरह से देखिए ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम जॉइन करके धागे को काट देंगे। ये देखिए वन टू थ्री फोर, इसी तरह करने हैं हमको, फोर राउंड कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम, देखिए यहाँ पर अब इस तरह से धागा नहीं लेंगे हम, इस तरह से धागा नहीं लेंगे हम, इसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने वन टू थ्री, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, देखिए वन टू थ्री इस तरह से थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। इस तरह से इस धागे को हम नीचे की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ नॉट लगा दी हमने, तरीके से ये देखिए ये हमारा बनकर रेडी हो गया है थाल कवर। ये देखिए ये हमारा थाल कवर बनकर रेडी हो गया है, इस तरीके से आया है।